हम लोग 2 घंटे पैदल करके जाएंगे है ना, लेकिन उसमें भी हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ मिल जाएगा, मुझे ये पता है। 2 घंटे पैदल करके जाएंगे? नहीं, हम पैदल चले जाएंगे। क्या मिलेगा? हेलीकॉप्टर का मुझे ऐसा लगता नहीं कि हम लोगों को वो करना चाहिए, आज भी सीन वैसे ही रहा है ना वेदर का, तो वो टाइम वेस्ट है वहाँ तक जाना। यार वैसे देखो, 3 ही ऑप्शन है, या तो पैदल जाओ, या तो पालकी करो, या तो घोड़े पे जाओ। अब ये बारिश का मौसम हुआ पड़ा है, हमें नहीं लगता अब हेलीकॉप्टर राइड होएगी। जैसे कि हमने आपको बताया कि हम पैदल जाएंगे और ये सब करेंगे, वो हम कल करके रहेंगे है ना, और करके रहेंगे। जय माता दी, जय माता दी। सच्चे मन से हम यात्रा करेंगे और अपने सातवें शक्तिपीठ को है ना प्राप्त करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, सेवंथ शक्तिपीठ को प्राप्त करेंगे। और इसी के साथ हम माताओं की जर्नी को कंप्लीट करेंगे। हाँ, कंप्लीट करेंगे और फिर हम पहुँचेंगे भोलेनाथ के पास। हाँ। अभी बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, धीरे धीरे मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। अब जाके शाही का बर्थडे मनाएंगे, अब कुछ मीठा हो जाए। अरहर भाद है, कटरा में है माता की चढ़ाई, हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे। लेट उठे लेने के बावजूद हम लोग लेट लेट उठे हैं। और वैसे आज सही भी, आज हम बहुत अपने जो हमारे मल्टीपल काम है वो खत्म करेंगे। हम हैं कटरा में और पंजीकरण नहीं, वैष्णो देवी के लिए जो रिसिप्ट हमें करवानी होती है वो उन्होंने बोला है कि 6 घंटे के लिए वैलिड रहती है, के लिए वैलिड रहता, तो आज हम लोग नहीं ले सकते, जब जाना है उसे टाइम लेना है। तो ये है बिल्डिंग, और ये कहाँ पे है बिल्डिंग? ये बस स्टैंड है ना, वहाँ से वो वैष्णो देवी का रास्ता है, उधर से आप आओगे ठीक है, ज्वेल्स करके कॉर्नर में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ से मुड़ के यहाँ पे ये आ गई। तो अब ये यहाँ निहारिका बिल्डिंग में जाएंगे हम और पता करेंगे हर हर महादेव। हेलीकॉप्टर राइड के लिए कहाँ पता करना? इधर तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आना और डायरेक्ट यहाँ पे पूछना, भोजनालय भी है यहाँ पे, आप सब बना दिया यहाँ पे, आप आओ रुको भी और सब कुछ करो। ATM भी है, करंट हेली टिकट काउंटर भी है, सब कुछ है। चलो आओ, ATM भी है यहाँ पे, टिकट काउंटर भी यहाँ पे है, ओके भी होती है, हो जाती है। कह रहे हैं कब जाना है? आज ID की हार्ड कॉपी निकालो, ठीक है ठीक है, रेडी हो जाए। और मतलब आज हमारा कितने बजे होगा? 10-15 मिनट में आईडी करवा के उसके बाद वापसी भी आ जाएंगे? नहीं होगा, नहीं होगा। अगर कल सुबह जाएंगे तो आना, तो फिर अभी देखो नहीं, 5:30 के बाद आना हो जाएगा, सुबह 7:30 जहाँ चला तो हो जाएगा आपका। ओके 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 सर, जैसे कल हम कराते हैं तो कल वापसी हो जाएगी? अभी जहाज चल रहा है, कल क्या पता चलेगा। अच्छा, अगर अभी जाएगा तो कल कैसे आएंगे वापस, अगर जहाज ना चले कल? अरे जय माता दी। नहीं सर, वो जैसे आप ना सारे लोग बड़ी जहाज में आते जाते हैं, पैदल भी आते हैं, घोड़े पे भी आते हैं, घोड़ी भी होती है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। और अभी अभी सिर्फ 10 मिनट है। हाँ, अभी 10-15 मिनट है। ऊपर जाके सर वापसी कैसे आएंगे सर? ये तो चक्कर है ना, वहाँ पे आप होटल ही बुक करते हैं? कल जाओ। ठीक है सर, वापसी हो जाएगी कल? हाँ हो जाएगी। अच्छा तो कल ही, आज के लिए वापसी का कोई वो नहीं है, आज के लिए वापसी का है अभी अंकल? रात को दिल का कोई टेंशन नहीं है। वहाँ पे रुकेंगे कैसे, कहाँ रुकेंगे? वहाँ पे है कोई सर सुविधा रहने की? ऊपर जाके पता चलेगा। अच्छा, जैसे हमने आपसे आने जाने की कराई हुई, तो कल हमारी वापसी होगी आने की? आने की आधी बैठ सकती है। अच्छा, वहीं से टिकट बुक होगी? कल के नाम की आज की नहीं करवा सकते? ऐसे ही लग रहा है कुछ, कल के नाम का आज नहीं करवा सकते? ये करंट विंडो है सेम डे के लिए। और भी नहीं यार मुझे, और मुझे तो यात्रा में भी नहीं लग रहा है। ये है टिकट, यात्रा की पर्ची यहाँ से मिलती है। हेलीपैड वाली है? नहीं नहीं, ये यात्रा वाली है, यात्रा वाली होटल में। ओके, तो अगर हम लोग हेलीपैड में जा रहे हैं तब भी हमें ये यात्रा की पर्ची चाहिए? ठीक है, और हम लोग कल जाएंगे तो कल की आज हो जाएगी? कल ही लेना। अच्छा यार, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दो, वो तो सर बड़े बिजी से लग रहे हैं। जैसे हम आज, जैसे वो कह रहे हैं 10 मिनट में हम ऊपर तुम्हें पहुंचा देंगे, चले जाओगे अभी ले लो टिकट, तो हम वापसी कैसे आएंगे? हेलीकॉप्टर से वापसी आ जाएंगे? नहीं नहीं, वो ऊपर मिलती है, ऊपर वहीं से लेनी पड़ेगी टिकट अगर मिली तो।
मिल जाती है नॉर्मल है, अभी भीड़ तो नहीं है ज्यादा, इधर वेट करना तो वहाँ पे रहना पड़ेगा रात को ना, कहने का मतलब अगर हम आज जाते हैं अभी जाते हैं। कि रात को हेलीकॉप्टर्स नहीं चलते, नहीं चलते तो रात को कहाँ रुकेंगे, वहाँ पे होटल का सीन है वहाँ पे कहीं। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, वहाँ भी हो जाती है। तो आज अगर हम जाना चाहें तो मतलब जा सकते हैं 10 मिनट में आओ करेंगे कैसे सारी सिस्टम कहाँ से आज, बट वो जाएगी नीचे से अर्धकुआरी से जाएगी ना भवन तक, एक बार पता कर ले कहाँ पे है वो। वही वही चीज़ वही बंदा करेगा जो ठीक है ठीक है ठीक है, यही जो हेलीकॉप्टर कर रहे हैं। अच्छा 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 वो लग गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ब्लॉग बना रहे हम, आपका नाम क्या है? विष्णु जी, विष्णु जी ने हमें बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, आओगे तो यही टिकट आपको निकालते नजर आएंगे ना। हर हर महादेव, जय माता दी। तो भी आना ना जैसे हेलीकॉप्टर में तो जाना है, ब्लॉग तो देख लो पहले, आपको बताते हैं क्या करना है। उसी दिन सुबह सुबह पहुंचो 5:30 बजे, कोशिश करो यहाँ पे 5 बजे पहुंच जाओ और लाइन में खड़े हो जाओ और रेडी होके आओ, रेडी होके आओ सारा कुछ एक बैग लेके और टाइम से निकल लो। फिर वहाँ ऊपर पहुंचोगे, ऊपर भी आप जाके वहाँ पे काउंटर होगा, वहीं से बुक कराओ और वहाँ से नीचे बोलो, है ना। ये दो बातें हैं, ऑटो में भी नीचे आ सकते अगर आप इस टाइम, जैसे इस टाइम आए हो, जैसे हम आए हैं, हम तो वैसे इन्फॉर्मेशन लेने आए थे, अगर हमारे पास बैग रेडी होता ठीक है तो हम ये शायद ले लेते जगह, है ना, हम ले लेते और फिर वहाँ पहुँच के हम होटल बुकिंग करा के रात को रुक के यहाँ पे नीचे आते, है ना। डन गेम। तो अभी जैसे होटल ये देखो, इसके आपको कब सोचना है, जब आप होटल बुक करा रहे हो ना, आए हो होटल बुक करा रहे हो, होटल वाले बोलेंगे आपको 4:30 बजे जाना पड़ेगा, आपका ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ऐसे ना सोचो। वो अपनी होटल बुकिंग के लिए कह रहे हैं कि आपके होटल आ जाए, ऐसे हमने भी सेकंड होटल बुक कराया है उसी चक्कर में। तो अल्टीमेटली कहने का ये मतलब है कि अगर आप चेकआउट करके अपना सामान गाड़ी में डालते हो और फिर एक बैग बना के यहाँ पे आते हो तो वो वैलिड रहेगा सीन आप यहाँ। हाँ, और वही आपने पैसे खर्चने नीचे होटल में, खर्चो आप खर्चो ऊपर जाके, वहाँ पे आके रूम लो और अपना गेम डन करो। तो आई थिंक यहाँ से हमें मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। ये रूम रिजर्वेशन का है, उधर आपने देखा था हेलीपैड का और ये रूम का पता। तो आप रूम बुक करते हैं ये रूम बुकिंग का काउंटर है सर। वो देखो यहाँ इन्होंने लिख रखा है, न्यू बस सर, न्यू बंदे हम फर्स्ट टाइम जैसे जा रहे हैं हम, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा सर ये है कि जैसे रूम बुक कराने हैं ऊपर के हमें, तो यहाँ से बुक होते हैं कल के लिए? कल के लिए बुक्ड है, सब कुछ पैक है, डन 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 डन। हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मिल जाते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वहाँ पे कर सकते हैं और कहीं भी आप वहाँ पे जहाँ जगह मिलती है सो सकते हैं। बैटरी कार में टाइमिंग कितना लगता है आपके अकॉर्डिंग? जैसे अर्धकुआरी से ऊपर तक जाने में बैटरी का 20 मिनट में। नाइस, ओके चलो, थैंक यू वेरी मच। पैक्ड हैं जो रूम, जब भी बुक कराने हैं आप बुक करा लो पहले, और सैटरडे संडे तो पूरा ही पैक रहता है यहाँ पे, और ये प्राइस लिस्ट लिखी हुई है, ले लो 1800 खाना ढिमकाना 4 बेडरूम AC 1700 अर्धकुआरी 700 और 120 रुपये डोरमेट्री भी है, और बहुत बढ़िया सीरीज स्टार्ट कर दिया। देखो अब हमें क्या समझ आया, क्या हुआ है और हम क्या कर सकते हैं, है ना। देखो अभी कल लिया तो हम लोग हेलीकॉप्टर राइड लेंगे, या फिर तो अगर हेलीकॉप्टर राइड का जो हमें सीन है आधे घंटे के अंदर हमें मिल गया, टिकट विकेट मिल गई तो हम लोग हेलीकॉप्टर चलाएंगे, नहीं तो हम लोग पैदल चढ़ाई करेंगे अर्धकुआरी तक, अर्धकुआरी से 20 मिनट बैटरी कार, ठीक है बैटरी कार लेंगे या ऑटो लेंगे 20 मिनट में ऊपर जाता, और ऊपर वहाँ पे वो केबल कार भी जाती है वहाँ पे, वो भी कर देंगे हम डन। अब हमारा सॉर्टेड है, हम कल ही करेंगे जो करेंगे, कल हम रूम नहीं ले रहे हैं, कल रूम नहीं ले रहे, क्योंकि अगर हमारे पास हेलीकॉप्टर राइड मिल जाती है तो हमें रूम लेने की जरूरत नहीं है, आते भी इतनी तो एनर्जी है हमारे अंदर, रेस्ट भी हो जाएगा और सारे काम हमने करने हैं, सब कुछ काम कर लेंगे, क्योंकि आगे हमें जाना है अमरनाथ। ऑलराइट, सो
खाना खाते हैं, फिर आपको मिलते हैं। हर हर महादेव, जय माता दी। देखो निहारी का भवन बड़ा खतरनाक है, यहाँ पे हर चीज़ है, रूम बुकिंग, हेलीकॉप्टर बुकिंग, ऑटो बुकिंग, और ये देखो भोजनालय। अब भोजनालय में हम एंटर कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर बना हुआ है यार, ये तो मज़ेदार जगह है। क्या होगा? 5-10 सॉरी 5-10 5-10 हो रहे हैं, तो हमें ये मिल जाएगा, इवनिंग स्नैक मिलेगा हमें। पता नहीं क्या है, स्टफ ब्रेड पकौड़ा, मफिन्स एंड ऑल, 75 rupees पर पर्सन, 40 rupees पर चाइल्ड एंड फलाना ढिमकाना, ठीक है। रात का डिनर टाइम है 7:30 से 10:30 बजे, अगर किसी ने लंच करना है वो 12:30 से 2:30 बजे, दैट्स इट, सॉर्टेड है सब कुछ, बढ़िया मिलता है सब कुछ यहाँ पे, देख लेना यहाँ पे आके। अभी मैं रिसेप्शन में हूँ, सर का नाम क्या है? सुदेश कुमार जी, ये बताएंगे यहाँ पे एसी रूम और नॉन एसी, अगर 4 packs हैं या 2 packs हैं, सबके रेट अलग हैं, थोड़ा सा बताओ आप। जो डिलक्स से कोच है ना, डिलक्स वाले हैं डबल बेड 400 रुपये, 4 bed 2150, जो दूसरे एसी वाले हैं उनका डबल बेड का 1450, 4 bed का 1700 रुपये। और यहाँ पे टू फेजेज है, क्या डिफरेंस है इनमें? जो फेज फर्स्ट में है ना वो डिलक्स है, ठीक है। आपको बेड का क्या? बेड का जो है जो डिलक्स वाले हैं 325 हैं, जो दूसरे हैं। ये हम ऑनलाइन भी बुकिंग करा सकते हैं निहारिका की वेबसाइट से, और ये श्राइन बोर्ड के अंडर आता है। श्राइन बोर्ड के अंदर 0 rupees है, फर्स्ट फ्लोर पे है, होटल से ज्यादा अच्छा लग रहा है। और किसी ने आना है यहीं पे आके बुकिंग कराया, पैसे भी ज्यादा महंगे नहीं है और जगह भी अच्छी है, कोई ज्यादा एक बंदे को पकड़ ले जो सारा हेलीकॉप्टर का पैकिंग। ये देखो कितना अच्छा यहाँ पे बना रखा है इन्होंने सिस्टम, क्या बढ़िया प्लेट्स हैं, क्या बढ़िया फूड है। वेज बना है, आलू बोंडा है और स्टफ ब्रेड है, 3 चीज़ें, चाय और कॉफ़ी ये वाली है, ये ना सोचना कैपेचिनो मिलेगी। नॉट बैड, निकाल लो बहुत अच्छा व्यू है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बैठ के शांत है, खचपच नहीं है जैसे बाहर लोगों का है, समझना गंदा गंदा था। अभी शाम को 75 rupees पर पर्सन में इन्होंने हमें ये ब्रेड सैंडविच किया, जिसमें इन्होंने मेयोनीज और है ना वेजिटेबल्स डाल रखे हैं, मफिन केक दिया, बिल्कुल बेसिक केक है ना, बहुत अच्छा सिंपल सा बेसिक। कॉफ़ी और टी मशीन है ये देखिए, और 2 चीज़ें और हैं, ब्रेड पकौड़ा और आलू बोंडा। मुझे लगता है कि इन होता है इतनी ज़्यादा अच्छी जगह पर एम्बियंस, 150 rupees में शाम के टाइम आपको एम्बियंस इतना अच्छा मिल रहा है, बैठने के लिए जगह मिल रही है, हॉट स्पॉट से दूर, सामने देखो कितनी प्यारी पहाड़ी माता वैष्णो देवी की, वाओ देख रहे हो सीन क्या नज़र आ रहा है भाई। जो हम लोगों ने फोन घुमाए या आप लोग सेटिंग कराना चाहते हैं, सबको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होता है। हाँ तो मुझे लगता है कि किसी सेटिंग में करो कोई चूज नहीं, यहाँ पे आओ खाना खाओ, हेलीकॉप्टर जाना है हेलीकॉप्टर बुक कराओ, या फिर तो अपना ऑटो बुक कराना तो ऑटो बुक कराओ, बाहर से रूम बुक कराना तो रूम बुक कराओ, दैट्स यही तो गेम चाहिए। और ऊपर अपना अगर तुम्हें पैदल जाना है, पैदल यहाँ से रूम बुक कराओ ऊपर का, ठीक है, और पैदल यात्रा करो, रूम में रुको, अगले दिन वापसी आओ, पैदल वाले करने रहो, है ना। प्राइस भी हमने बजट बजट ट्रिप करना है, बजट ट्रिप उसके लिए क्या होगा, कोई यहाँ नहीं रुकेगा, और यहाँ पर फूड खा सकता है, यहाँ खाना खा सकता है, और यहाँ से फिर पैदल यात्रा कर सकता, और ऊपर आपको ब्लैंकेट्स मिल जाते हैं आजकल सुविधा कर रखी है, और वहाँ जाके लोग सो सकते हैं। तो प्राइस भी हमने आपको बता दिया, अगले दिन वापस चक्कर में पड़ना पड़ता है जो एक्चुअल प्राइस है। और हाँ सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे सब बोल रहे हैं भाई किसी के चक्कर में पड़ना है हेलीकॉप्टर वाले, यहाँ पे आओ, ओपन बुकिंग है, या तो ऑनलाइन बुकिंग कर लो दैट्स गुड, अगर ऑनलाइन बुकिंग नहीं करनी है तो डायरेक्ट यहाँ पे काउंटर पे आओ, करंट बुकिंग कराओ, अगर वहाँ पे जगह है तो वो आपको भेज दें, यहाँ पे फूड फ्रेश है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है, एक पर्सन के साथ ही शेयर नहीं कर सकते आप। अभी सब लोगों ने तो ब्रशिंग करना है, देखिए भाई
क्या ब्रेड पकौड़ा लग रहा है? ये आलू गोंडा। आलू गोंडा खोल के दिखाया जाए, वो देखो फ्रेश है, हर चीज फ्रेश। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। यहाँ जरूर आना, हमारा रिकमेंडेशन है। एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि गलत लग रही है यहाँ पर। थैंक यू टू श्राइन बोर्ड, क्योंकि यहाँ था कि यहाँ पर इन्होंने फैसिलिटी दे दी। इस टाइम पर यहाँ फैसिलिटी नहीं होती थी, है ना, इतनी नहीं होती थी। यार मैं तो यहाँ से देख रहा हूँ रस्ते कैसे बना दिए, हर जगह शेड लगा हुआ है, देखियो। वाओ, रूम से आ सकते हैं बंदा आंखें बंद करके आए और यहीं से सब कुछ करें। निहालिका भवन याद रखने नाम ये नाम। ओके, हम यहाँ पे खा के अपना सामान इकट्ठा करेंगे, अमरनाथ ले या हम वापस आएँ तो हमें कोई इशू ना आए। कल ही हम श्रीनगर तक तो एटलीस्ट पहुँच जाएँ, है ना, आने के बाद एक्सपेक्ट है कि हम पहुँच जाएंगे। तो अब सारे परचेजिंग के बाद आप थोड़ा मार्केट घुमाएंगे और फिर रूम में जाके अपने काम कंप्लीट करेंगे। मुझे भी अपना क्लाइंट का काम करना है, शायद को भी ईमेल करना है। ऑलराइट, लेट्स गो। चलो, एक खाने के टाइम ना मुझे ना बोलने के टाइम मुझे क्लच रहती है।